जब से आदित्य ने सुहाना की पीठ देखी थी वो घबरा गया था और पहले से ज्यादा बेचैन हो गया था। उसे इस वक्त भी बार बार सुहाना की पीठ का ख्याल आ रहा था, जिसके कारण वो चिल्लाए जा रहा था, जिसे देखकर सुहाना बौखलाते हुए बोली, आदित्य आदित्य क्या हो रहा है तुम्हें? कुसुम अपनी जगह पर टिककर बैठी हुई थी, मानो उसकी आवाज गले में ही अटक गई हो। सुहाना ने कुसुम से पूछा, कुसुम ये क्या हो रहा है आदित्य को, कुछ करो। कुसुम ने मन ही मन सोचा, इन्हें सुहाना की याद आने लगी, अगर इन्हें इस टोटके में से नहीं निकाला तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। सुहाना ने कुसुम को झंझोड़ते हुए कहा, कुसुम कुछ तो बोलो, नहीं तो चलो अब हॉस्पिटल, अभी देर नहीं हुई है। इस पर कुसुम ने तुरंत कहा, नहीं तुम कुछ देर के लिए बाहर जाओ, मैं कुछ करती हूँ। सुहाना कुसुम की बात सुनकर हैरान रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि कुसुम इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है, वो हॉस्पिटल क्यों नहीं जाना चाहती। कुसुम तुम क्या करने वाली हो, आखिर तुम्हें हो क्या गया है, सुहाना ने पूछा। कुसुम का दिमाग अब सोचने समझने की हालत में नहीं था, उसने सुहाना को कमरे से बाहर निकाल दिया। छोड़ो मुझे कुसुम, तुम क्या करने वाली हो। लेकिन कुसुम ने सुहाना की एक न सुनी, उसने सुहाना को बाहर करके अंदर से उसने दरवाजा बंद कर दिया और फिर आदित्य के पास गई। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से एक छोटी सी पोटली बांध रखी थी, उसने जल्दी से उस पोटली में से एक गोली निकाल कर आदित्य के मुंह में डाल दी। कुसुम ने खुद से कहा, माफ करना आदित्य, इससे तुम्हें थोड़ी परेशानी होगी लेकिन तुम्हें जल्द ही राहत मिलेगी। जैसे ही आदित्य ने उस गोली को खाया, अचानक उसके कानों से खून बहने लगा। कुसुम से वो सब देखा नहीं गया, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी आदित्य बेड पर छटपटाने लगा और उसकी आंखें लाल हो गई। लेकिन कुछ ही देर में आदित्य के कान से खून बहना बंद हो गया और उसकी आंखें भी नॉर्मल हो चुकी थी। कुसुम आदित्य को इस हालत में देखकर मन ही मन सुहाना को कोसती रही, इन सब की वजह वो सुहाना ही है, उसे मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। कुसुम खुद को संभालते हुए आदित्य के खून को साफ करने लगी और साफ करते हुए उसने कहा, अब किसी भी हालत में मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। इधर कमरे के बाहर सुहाना खड़े खड़े घबरा रही थी, उसने मन ही मन सोचा, हे भगवान इस लड़की को हो क्या गया है, आदित्य के इतनी खराब हालत में भी हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जा रही। सुहाना बाहर खड़े खड़े कमरे का दरवाजा पीटती जा रही थी, वो बार बार कुसुम को बुलाए जा रही थी, कुसुम दरवाजा खोलो, तुम क्या कर रही हो अंदर। तभी अचानक से दरवाजा खुला और कुसुम बाहर आई। सुहाना ने अंदर झांकते हुए कहा, क्या हुआ, क्या किया तुमने। कुसुम ने बड़े आराम से कहा, कुछ नहीं, बस आदित्य अब सुबह तक ठीक है, अगर कल हालत खराब हुई तो हम हॉस्पिटल ले जाएंगे। इतना कहकर कुसुम अपने हाथ में किताब लिए वहाँ से जाने लगी। सुहाना ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन कुसुम उसे अनसुना करते हुए वहाँ से निकल गई। सुहाना ने उसके निकलते ही अंदर जाकर देखा, कमरे में आदित्य बिना कोई हरकत किए आराम से सो रहा था। सुहाना ने चौंकते हुए कहा, ही कुसुम ने आदित्य के साथ क्या किया, इसे देखकर तो लग ही नहीं रहा है कि इसे कुछ हुआ था, आखिर कुसुम क्या छुपा रही है। सुहाना सोचते सोचते बेड से दूर एक खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। सुहाना बाहर का मौसम देखते हुए मन ही मन सोचने लगी, आखिर मैं किस मुसीबत में उलझी हुई हूँ, कभी मैं अपनी बच्ची के लिए भागती हूँ तो कभी मैं हवेली के सपने देखती हूँ, और इन सब के बीच जो भी मेरी मदद करने को आता है उसकी जान जोखिम में पड़ जाती है। पहले काकी ने अपना घर बार छोड़ा मुझे उस सरपंच से बचाने के लिए, फिर आदित्य के पिता की जान चली गई, और अब। सुहाना के मन में ये ख्याल आते ही वो अचानक रुक गई, उसने खुद से कहा, नहीं अब और किसी को मैं खतरे में नहीं डालना चाहती हूँ, और आदित्य को तो बिल्कुल नहीं। जब मुझे लगा कि मेरा यहाँ कोई भी नहीं तब आदित्य ने मेरा साथ दिया, मैं उसे हर हालत में बचा कर ही रहूंगी। सुहाना सोचते सोचते बाहर बारिश को देखने लगी। मौसम में कुछ खास बदलाव नहीं आया था, बाहर बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी सुहाना की आंखों में आंसू भर आए। अक्सर जब दुखी होने की कई वजह हो तो इंसान पता नहीं कर पाता कि वो दरअसल किस वजह से रो रहा है। सुहाना के साथ भी यही हो रहा था, उसके साथ इतने सारे हादसे हो चुके थे कि अब उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो किस बात पर रो रही थी। सुहाना के पास अब आदित्य भी नहीं था जिसके साथ वो तकलीफ बांट सके, और वो उसे इतनी दूर आकर खोना नहीं चाहती थी। एक तरफ सुहाना काफी अकेला महसूस कर रही थी तो दूसरी तरफ
मार्केट में किशोर के पिता हाफते हाफते दुकान तक पहुंचे। किशोर के पिता की आंखों में खौफ साफ साफ झलक रहा था। किशोर के पिता ने दुकान के अंदर जाकर देखा तो किशोर अभी तक जागा हुआ था। किशोर दुकान के कोने में बैठकर हमेशा की तरह पेंटिंग बना रहा था। किशोर के पिता भिन्नाते हुए बोले, किशोर जरा इधर आना। अपने पिता की गुस्से से भरी आवाज सुनकर किशोर के हाथ से पेंटिंग का ब्रश छूट गया। वो झट से उठा और अपनी पेंटिंग वही छोड़कर अपने पिता के पास आ गया। किशोर के पिता उसे गुस्से से घूरते हुए देखने लगे। किशोर ने झिझकती हुई आवाज में कहा, जी जी पापा कहिए। किशोर के पिता गुस्से से बोले, मैं तुम्हें कुछ दिनों से ही देख रहा हूँ। तुम आजकल बस गलियों में घूमते रहते हो और पेंटिंग बनाते रहते हो। तुम्हें दुकान का काम भी सीखना है कि नहीं, या पूरा दिन बस मौज मस्ती ही करनी है? इस पर किशोर हकलाते हुए बोला, जी पर मुझे सिर्फ पेंटिंग ही बनानी है, मुझे बड़ा होकर पेंटर ही बनना है। किशोर की बातें सुनकर उसके पिता आग बबूला हो गए। उन्होंने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, पेंटर बनना है? बेटा तुम्हारे हाथ में ये जो ब्रश है, ये पेंटिंग की वजह से नहीं आया, मेरे साड़ी बेचने की वजह से आया है। अब अगली बार मैंने तुम्हारे हाथ में ये पेंटिंग ब्रश देखी तो तुम्हारी खैर नहीं। कल से चुपचाप तुम मेरे साथ दुकान पर बैठोगे, समझे? जी जी पापा जी। किशोर ने तुरंत हामी भरी और इतना कहकर किशोर के पापा वहाँ से चले गए। किशोर का मुंह छोटा हो गया था, वो खुद से बड़बड़ाने लगा, पापा कभी मुझे समझते क्यों नहीं, मुझे पेंटिंग के अलावा कुछ करना ही नहीं है। किशोर खुद से बात करते हुए वापस अपनी जगह जाकर बैठ गया और उसी पेंटिंग में रंग भरने लगा। उसने रंग भरते हुए कहा, अगर मैं पेंटिंग नहीं बनाऊंगा तो? अचानक से वो बोलते बोलते रुक जाता है। उसने पेंटिंग को खत्म करते हुए कहा, अब होगा असली खेल शुरू। किशोर के हाथ में जो पेंटिंग थी उसमें उसने एक मार्केट का सीन बनाया था। उस पेंटिंग में मार्केट के बीचों बीच कुछ लोग भीड़ में खड़े थे और उस पेंटिंग में भीड़ के बीच में किशोर ने लाल रंग भरा हुआ था। उसने साफ साफ ये नहीं दिखाया कि वो लाल रंग किस चीज का है। और तभी किशोर की वही कुटिल मुस्कान चेहरे पर वापस आ गई। जहां एक तरफ किशोर ने इस बार एक अजीब पेंटिंग बनाई थी, वहीं दूसरी ओर सुहाना अभी भी उसी खिड़की के पास खड़ी अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। रात काफी हो चुकी थी और तभी उसे अचानक काकी की याद आई। सुहाना ने कहा, एक बार काकी को कॉल करके देखूं क्या? नहीं, अभी तो वो सो रही होंगी, उनसे मैं कल सुबह बात कर लूंगी। वहीं इधर कुसुम भी काफी देर से हॉल में बैठकर वही किताब पढ़ रही थी। इस किताब में सीधे सीधे तो कुछ भी नहीं लिखा है कि हर टोटके का तोड़ होता है, लेकिन इस टोटके के बारे में इस किताब में क्यों नहीं है, कुसुम ने खुद से कहा। तभी अचानक कुसुम की नजर किताब के आखिरी पन्ने पर पड़ी। कुसुम ने कहा, अरे ये कौन सा अध्याय है, मैंने तो इसे पहले कभी नहीं पढ़ा। इसमें कुछ तो लिखा है लेकिन साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। कहते हुए कुसुम पास के टेबल के ड्रॉर में चश्मा ढूंढने लगी। जैसे ही उसने अगला ड्रॉर खोला, उसके अंदर उसे एक पुराना फोटो एल्बम मिला। कुसुम ने उस एल्बम को उठाते हुए कहा, अरे ये तो पुरानी एल्बम है, लेकिन कब की है ये? इतना कहकर कुसुम ने एल्बम का पहला पन्ना पलटा। उसमें लिखा हुआ था, कुसुम वेड्स आदित्य। वो आदित्य और कुसुम की शादी का एल्बम था। कुसुम अचानक एल्बम देखकर चौंक गई। उसने कहा, ये एल्बम तो मैंने अलमारी में रखा था, लेकिन ये बाहर कैसे? सोचते सोचते कुसुम एल्बम के पन्नों को पलटने लगी। शादी की एल्बम देखकर कुसुम की पुरानी यादें ताजा हो गई। वो कुछ पल के लिए सब कुछ भूलकर अपने अतीत के ख्यालों में खो गई। उसने एक फोटो देखा जिसमें आदित्य कुसुम की चोटी पकड़ते हुए पोज दे रहा था, और ऐसी कई फोटोज देखते देखते कुसुम की आंखों से आंसू टपकने लगे। अक्सर इंसान ज्यादा दुखी हो या खुश, उसकी आंखों से आंसू बहने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ कुसुम भी अपने पुराने दिनों को याद करते हुए खुशी के आंसू बहा रही थी। उसने खुद से कहा, कितने खुश थे मैं और आदित्य उस दिन। मुझे तो ठीक से याद भी नहीं कि कब आदित्य ने बिना किसी वशीकरण के मुझसे प्यार से बात की थी, और आज यहाँ मैं बैठकर उसे ऐसी हालत में देख रही हूँ। आखिर आदित्य को सुहाना में क्या दिखता है जो मेरे पास नहीं है? कुसुम भी वही गलती दोहरा रही थी जो आजकल ज्यादातर महिलाएं करती हैं। वो असली परेशानी को समझने की बजाय दूसरों को या किस्मत को कोसने लगती है। कुसुम खुद को संभालते हुए बोली,
नहीं कुसुम, तू इस वक्त ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती है। पति के प्यार को अपनी कमजोरी मत बना, तू पति और हवेली दोनों ही हासिल करेगी। इतना कहकर वो एल्बम को वापस ड्रॉर में रखते हुए अपना चश्मा ढूंढने लगी। तभी उसे चश्मा भी मिल गया। कुसुम ने झट से चश्मा लगाया और वापस किताब के आखिरी पन्ने को पढ़ने लगी। विधि सुझाव। इसका मतलब है कि जब आपको किसी टोटके या काले जादू का कोई तोड़ नहीं मिलता तो आप नीचे दी गई चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुसुम ने नीचे लिखी हुई हर चीज को पढ़ा। जैसे कुछ वशीकरण को रोकने के लिए आपको उस व्यक्ति के बालों को मिश्रण में मिलाना होता है, वही मिश्रण। जैसे ही कुसुम ने बाल के बारे में पढ़ा वो रुक गई। उसने चौंकते हुए कहा, बाल? यानी मुझे उसी मिश्रण में सुहाना के बाल मिलाने होंगे? मतलब अब मुझे कुछ दिमाग लगाना होगा। कुसुम अभी सुहाना के बारे में सोच ही रही थी कि वहां अचानक सुहाना आ जाती है। सुहाना ने कुसुम के हाथ में किताब देखते हुए कहा, ये कौन सी किताब पढ़ रही हो तुम? तुरंत कुसुम ने घबराते हुए किताब को अपने पीछे छिपा लिया। उसने कहा, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सुहाना ने कहा, तुम मुझे देखकर हमेशा घबरा क्यों जाती हो? क्या मैं तुम्हें कोई डायन लगती हूँ? तभी कुसुम के चेहरे को देखकर सुहाना ने पूछा, मैंने देखा तुम काफी देर से कोई किताब पढ़ रही थी, तुम्हें नींद नहीं आ रही? नींद तब आएगी जब आदित्य ठीक होगा, कुसुम ने धीरे से कहा। वैसे तुम डायरी लिख रही थी क्या, या वो सच में कोई किताब थी? सुहाना ने चौंकते हुए पूछा। एक तरफ कुसुम के घर में सुहाना कुसुम आपस में बात कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ लॉज में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। काम करने वाले सभी लोग सो रहे थे, लेकिन काकी के कमरे की लाइट अब भी जल रही थी। वो अपने आप को एक पतली शॉल से ढककर लॉज से बाहर निकल गई, बिना कोई शोर किए। बाहर बारिश में भीगती हुई काकी मार्केट से होते हुए गांव से बाहर की तरफ जा रही थी। मार्केट की सारी दुकानें बंद थी। कुछ ही देर में सवेरा होने वाला था। कुछ दूर चलने के बाद काकी गांव के बाहर पहुंच गई। सड़क पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी और एकदम सन्नाटा था, लेकिन काकी बिना किसी डर और रोशनी के सहारे चलती जा रही थी, मानो जैसे उन्हें अंधेरे में भी सब कुछ दिख रहा हो। चलते चलते आगे कुछ गलियारे थे, उनमें से काकी एक बंद गलियारे की तरफ चलने लगी। तभी अचानक से कोई काकी के पीछे पीछे चलने लगा। काकी ने जैसे ही किसी को अपने पीछे महसूस किया वो घबरा गई। काकी बिना मुड़े बस आगे गलियारे की तरफ चलती गई, लेकिन वो आदमी भी काकी का पीछा करता रहा। अचानक काकी ने देखा कि वो उस बंद गली के आखिर तक पहुंच गई थी। तभी काकी ने शॉल के अंदर हाथ डाला और एक ही झटके में पीछे मुड़ी। इससे पहले काकी कुछ कहती वो उस आदमी को देखकर रुक गई। एक पल के लिए काकी को देखकर वो आदमी भी घबरा गया था। काकी ने भिन्नाते हुए कहा, तुम बता नहीं सकते थे कि तुम ही हो? तभी उस आदमी ने धीरे से कहा, मैं नहीं चाहता था कि किसी को भी शक हो। भले अंधेरा पसरा हुआ है बाहर, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहीं से भी देख सकते हैं। इस पर काकी ने हामी भरते हुए पूछा, सामान कहाँ है? इसके बाद उस आदमी ने अपने बैग से एक किताब निकालते हुए कहा, ये रही वो किताब। काकी तुरंत उस किताब को अपने हाथ में लेते हुए मुस्कुराने लगी और फिर बोली, अरे वो दूसरा सामान, वो कहाँ है? इस बात का जवाब उस आदमी ने नहीं दिया। तब काकी भिन्नाते हुए बोली, तुम नहीं लाए? मैंने तुम्हें कहा था ना कि इस बार मुझे वो हर हालत में चाहिए। आज मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मैं बेहोश ही हो गई थी। काकी की बात सुनकर उस आदमी ने कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा अगली बार उसे लाने की। ये सुन काकी ने खुद को संभालते हुए कहा, खैर इस किताब के बारे में तुम किसी से भी जिक्र नहीं करोगे, किसी से भी नहीं। इस पर उस आदमी ने हामी सर हिलाया और अगले ही पल वहां से निकल गया। काकी उस किताब को देखते हुए बोली, आखिर ये किताब मेरे हाथ लग ही गई। आखिर कैसे कुसुम सुहाना के बाल निकाल पाएगी, और कौन था वो आदमी जो काकी के लिए वो किताब लेकर आया था? आखिर किशोर ने वो अजीब सी पेंटिंग क्यों बनाई? होगा खुलासा इन सब सवालों का? जानने के लिए सुनते रहिए वियोना, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।